30 मई 2018 ये वो दिन था जब मैंने पहला एक वीडियो डाला था अपने हाउ टू गेट थिक हेयर नेचुरली वाले सीरीज़ के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको ग्रीन टी कैसे यूज़ करते हैं अपने बालों के ग्रोथ के लिए वो आपको बताया था। लिटिल डिड आई नो कि वो वीडियो काइंड ऑफ वायरल हो जाएगा और उसे 2 लाख से ऊपर व्यूज़ मिलेंगे। क्या है ना, मेरे को आदत नहीं है इतने सारे व्यूज़ देखने की अपने चैनल के ऊपर। खैर, आप लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो, बहुत सारे लोगों ने उस टेक्निक को ट्राई किया एंड बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। बट उसमें से भी काफ़ी लोग थे जिनके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो सवाल इतने सारे थे कि मैं उन्हें पर्सनली जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सारी बातें करने के बाद नाउ लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बीयर्डेड चोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वापस से ग्रीन टी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाउ टू एक्चुअली यूज ग्रीन टी इन द करेक्ट मैनर। आई एम गोना टेक अप 10 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे उस वीडियो के अंदर मिले थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक दैट ग्रीन टी विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर ग्रोथ। अब ये जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो में नहीं था, बट मैं ये जानता हूँ कि इस वीडियो जो नए लोग देख रहे हैं उसके अंदर होने वाला है। दैट इज़ व्हाई आई एम आंसरिंग दिस द फर्स्ट। ये जानने के लिए आपको पुराना वीडियो देखना होगा। इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स अ शॉर्ट वीडियो, वो आप जाके देख लीजिए एंड यू विल गेट द रेसिपी, द प्रॉपर रेसिपी हाउ यू आर सपोज टू मेक दिस ग्रीन टी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो मुझे बहुत ज़्यादा आया था, कौन सी ग्रीन टी हमें यूज़ करनी है, क्या हमें लूज लीव्स यूज़ करने हैं या फिर हम टी बैग यूज़ कर सकते हैं, वॉट इज़ द डिफरेंस, और हमें कहीं और से जाके स्पेशल ग्रीन टी लेके आनी है इसके लिए या फिर मार्केट में जो मिल रही है वो हम ले सकते हैं। सी गाइज, द क्वालिटी ऑफ ग्रीन टी, येस इट इज़ गोइंग टू डिफर इफ़ यू आर गोइंग टू गेट गुड ऑर्गेनिक वेरी हाई क्वालिटी ग्रीन टी। जो एक स्टीम ड्राइड ग्रीन टी होती है, अगर आप वो लेने जाएँ तो वो बहुत महंगी मिलती है और शायद आपको इतनी रेडिली अवेलेबल ना भी मिले, बट जो लोकल मार्केट के अंदर आपको मिलती है वो यूजुअली रोस्टेड ग्रीन टी होती है या फिर हीट ड्राइड ग्रीन टी होती है। Now I'm not saying this with 100% certainty, but the usually cheap green teas are usually made in that manner. But यहाँ पे the thing is, आप अपने बजट के हिसाब से वो ग्रीन टी चूज़ कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मेन क्वेश्चन जो आता है टी बैग वर्सेज लूज ग्रीन टी लीव्स, यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ द ग्रीन टी मोर देन वंस, देन यहाँ पे आपको लूज ग्रीन टी लीव्स लेने चाहिए। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट ओनली वन टाइम यूज़ करके आप फेंकने वाले हैं उसको, देन आप टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द थिंग विद टी बैग्स इज दे आर डिजाइंड और दे आर मेड इन अ वे दैट इन द फर्स्ट ब्रूइंग इटसेल्फ इट कैन गिव यू ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। इट इज़ नॉट मेंट टू बी रीयूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आप टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लूज ग्रीन टी लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको कितनी बार उसे रीयूज़ करना है। आई पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द टी बैग्स बिकॉज यूजुअली दे आर मेड विद ब्लीच्ड पेपर, तो वो भी आ जाता है आपके पानी के अंदर। नाउ वन मोर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द टी बैग एंड द लूज ग्रीन टी इज कैफिनेटेड और डी कैफिनेटेड। ये यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डी कैफिनेटेड ग्रीन टी लेते हैं, यूजुअली डी कैफिनेटेड ग्रीन टी जो ड्राई की जाती है, ग्रीन टी लीव्स जो होते हैं उनको ड्राई किया जाता है बहुत ज़्यादा हीट को यूज़ करके। सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक डी कैफिनेटेड, वन तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मेनी एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड टू यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कैफीन। नाउ वी वॉन्ट द कैफीन इन दिस केस, हमें वो ग्रीन टी का बहुत कम अमाउंट में जो कैफीन होता है कॉफ़ी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सो वी वांट दैट लिटिल बिट ऑफ कैफीन। यहाँ पे जो कैफीन है वो बहुत ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा स्कैल्प लेवल पे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो हेयर साइकिल्स हैं उन्हें चेक में रखने के लिए और उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए द कैफीन इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सी अगर आपने वो पहला वाला वीडियो देखा है, आई शोड यू दैट द वाटर इज बॉइलिंग बिकॉज उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं विच नीड टू गेट टू दैट बॉइलिंग टेम्परेचर सो दैट उनका सारा प्रॉपर्टीज वो पानी में आए। द थिंग आई एम गोइंग टू रिकमेंड ओवर हियर इज टू गेट दैट वाटर टिल द बॉइलिंग स्टेज, डोंट पुट इट ऑन अ हाई फ्लेम। बट ये बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको ग्रीन टी नहीं डालना, यू हैव टू वेट टिल इट कूल्स डाउन अ बिट। सो लेट इट बॉइल एंड आफ्टर दैट लेट इट कूल डाउन फॉर 1 और 2 मिनट्स। जैसे ही वो बबल सेटल हो जाए एंड इट रीचेज अराउंड 80 to 90 degrees, that is when you are supposed to add the green tea into the water or the water on the green tea leaves, however you are brewing your green tea. Now the main reason for doing this is because वो temperature पे ही researchers have found out that a lot of the benefits जो catechins हैं, जो flavonoids हैं, all the good properties of green tea seep into the water at that particular temperature. Apart from this, what is the temperature of the water when you are applying it on the scalp? It shouldn't be cold and it shouldn't be hot. If it's going to be either, it's not going to be effective. It should be just very slightly lukewarm. इतना होना चाहिए कि आप tolerate कर सकें लेकिन आपको हल्का सा गर्म लग रहा है and ये इसीलिए important है because at that temperature it is going to open up the pores. जो absorption है वो ज़्यादा होने वाला है उस particular temperature के ऊपर. So make sure it is very very slightly warm. Now question number 4, कौन सा पानी use करना है? Tap water या filtered water या क्या? You can use tap water or filtered water, either. जो भी आपके यहाँ पे अच्छा साफ पानी आ रहा है वो आप use करिए. Either way, you have to boil it. Now, question number 5, very important question. कितना green tea हमें use करना है? On an average, you are supposed to use 1 teaspoon per cup of green tea that you are making. But now, if you are someone who has dry hair, this is something that I'm telling you out of experience. जितना ज़्यादा आप green tea use करेंगे, उतना drying effect होने वाला है, उतना ज़्यादा texture आपके बालों को मिलने वाला है. So you have to play around. If you have very dry hair and you want to use this green tea technique, then decrease the amount of green tea. Green tea आप कम use करिए. And if you are someone with oily skin, green tea आप थोड़ा ज़्यादा use कर सकते हैं. Now question number 6, how much time are you supposed to keep this green tea on your head? Minimum 2 hours. आपने लगाया, आपने मसाज करना है 5 से 10 मिनट जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दिखाया. And you have to leave it for minimum 2 hours. आपको उसे पूरा सूखने देना है. And the maximum could be overnight or even 2 days. Question number 7 मुझे बहुत बार पूछा गया है. How am I supposed to wash it off? क्या सादे पानी से धोना है? क्या शैम्पू से धोना है? What am I supposed to use? You can use either. नॉर्मल पानी से भी धोएंगे. It's good enough. Shampoo se bhi dhoenge, it's good enough. It does not need a lot of heavy chemical washing to get rid of it, like oils or like products, styling products. It's water at the end. So you don't need a lot of stuff. Mild shampoo is also perfectly fine. Question number 8, how many times am I supposed to apply this in a week? Minimum once a week and maximum thrice a week. उससे ज़्यादा आपने लगाना नहीं है and never start off with thrice a week. Start with once a week. धीरे धीरे आपकी scalp used to हो रही है. Keep on increasing. Don't go over thrice a week. And जैसे आपको लग रहा है कि आपकी scalp used to हो गई है thrice a week से आपको और extra results नहीं दिख रहे हैं. Then gradually start decreasing. Take a break for a while and then again start. Now question number 9. Why green tea? Why not black tea? Why not coffee? Why are we not using the other things and why are we using only green tea? देखिए ये एक बहुत बड़ा topic है and it's a very vast topic. इसके ऊपर proper एक video बनने वाला है जैसे मैंने अभी castor oil, onion juice, Redensil के ऊपर detailed videos बनाए वैसे green tea के ऊपर भी एक detailed video आने वाली है बहुत जल्द. See, the thing is, it takes a lot of research, guys. So I have to space it out so that I can give you the best content possible. So वो आने वाला है, but in short, I'm going to tell you. See, green tea has the most effect as far as DHT is concerned. Also, green tea has a lot of EGCG, epigallocatechin gallate, that is very important for its anti-inflammatory properties. Now, question number 10, which is the final question, जो मैं ये लेने वाला हूँ, that is, can I use it on a scalp या फिर on my hair, which is already oiled? मतलब मैंने कल नहीं तो आज सुबह तेल लगाया है, क्या मैं शाम को वही तेल के ऊपर green tea लगा सकता हूँ? And the answer is no. Do not use green tea on a scalp, on your hair, which already has something in it. It can be a hairstyling product that you've applied. It can be oil that you've applied. Do not mix. आपका scalp, आपका जो hair है वो clean होना चाहिए. I'm not saying it should be shampoo clean. What I mean by clean is it should not have any oil, any product, anything external. And oiling routine, you're supposed to keep a gap of at least 1 day between the green tea and the oiling routine. So guys, ये थे वो 10 most commonly asked questions about this green tea technique that I've shown you guys. फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, please go and watch that video. It is worth watching and वो technique it is worth trying. Regardless of that, I hope आप के सारे क्वेश्चन इससे आंसर हो गए हैं. आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, I've tried to cover everything. अगर कुछ रह गया है कमेंट करिए नीचे, मुझसे पूछे. I will try my level best to answer over there. If not, और एक वीडियो ऐसी आ जाएगी. That was it for today's video. पसंद आया please like it, please share it. सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं. बेल आइकन दबाइए and all notifications चूज करिए ताकि YouTube आप तक सारे notifications पहुंचा दे. Also मेरे सारे social media links आपको नीचे description के अंदर मिल जाएंगे. मेरा personal Amazon store है जहाँ पे मैं जो products use करता हूँ वो सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं. It's a complete category wise selection that I've done. You guys can go check that out as well. With that said, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye. Hey guys, welcome back to The Bearded Chokra. मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज जैसे मैंने आपको बताया मैं